जानकारी के अनुसार सांचौर पुलिस ने मंगलवार को चोरी की वारदात का बड़ा खुलासा किया। पुलिस के अनुसार जिला प्रमुख मंदीप सिंह गोहिल की करीब एक साल पूर्व चोरी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी सुखराम बिश्नोई ने बताया कि चोरी किए गए वाहन को शराब तस्करी में उपयोग करते थे। पुलिस ने वारदात के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी उपकरणों के साथ अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच करने के बाद मुख्य पीड़ी तंत्र को विकसित किया, जिसे चुराई गाड़ी की जानकारी मिलने पर दबिश देकर वारदात के मास्टरमाइंड ओम प्रकाश बिश्नोई, भगवान राम बिश्नोई और प्रकाश बिश्नोई को मंगलवार को गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वाहन चोर गिरोह से जुड़ी अन्य वारदातों के खुलने की भी आशंका है। गत वर्ष श्री जिला प्रमुख बन सिंह गोयल का वाहन स्कॉर्पियो चोरी हुआ था, जिसकी पुलिस द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी। अभी तीन जो संदिग्ध लोग पुलिस द्वारा एक स्पेशल टीम श्रीमान एसपी साहब द्वारा गठित की गई।